मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पार्टी संगठनों पर महिला आरक्षण का पहला असर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी कांग्रेस महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी में है। संगठन में भागीदारी बढ़ाने की तैयारी में अब पार्टियां जुट गई हैं। 2023 और 2024 के चुनाव में असर दिख सकता है। दोनों चुनावों में महिलाओं को ज्यादा मौका दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आरक्षण के मुताबिक व्यवस्था होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि महिलाओं को पूरा मौका दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कह रही है कि लिस्ट में महिलाओं का प्रभाव दिखाई देगा, तो कांग्रेस का भी दावा है कि संगठन से लेकर सत्ता तक भागीदारी महिलाओं की देखने को मिलेगी। और इसी पर छत्तीसगढ़ के बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। इसमें महिला आरक्षण की जो झलक है वो देखने मिलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट घोषित करने के मामले में तो इतिहास रचा है। 21 प्रत्याशी बहुत पहले घोषित कर दिए हैं। आने वाले समय में बहुत जल्दी अन्य प्रत्याशियों की घोषणा हम करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के पिछले लिस्ट भी अगर उठा के देखेंगे तो अभी 13 महिला सदस्य हमारे पास विधायक के रूप में मौजूद हैं और आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ये कांग्रेस पार्टी ने तय किया है। महिला आरक्षण विधेयक पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अब भी क्लियर नहीं है। आरक्षण देना है तो कांग्रेस का मांग है कि 2024 में 33% आरक्षण देना चाहिए। ये बात कर रहे हैं 2029 के बाद, क्या गारंटी है 2029 के बाद केंद्र में मोदी की सरकार बनेगी? क्या गारंटी है 2029 लोकसभा खत्म होते साथ महिला आरक्षण बिल लागू होगा? मतलब ये भी महिला आरक्षण बिल भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हमारी देश की माता बहनों को अपनी वोट बैंक के रूप में उपयोग करना चाहती है। और ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता कुलेश्वर सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, जिस तरह से पूरे देश में देख रहे हैं महिला आरक्षण चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन पार्टी संगठनों पर भी इसका पहला असर दिखना शुरू हो गया है, वही बयानबाजी भी छत्तीसगढ़ में जोरों पर है। देखिए, बिल्कुल, जब से महिला आरक्षण का बात सामने आया है तब से छत्तीसगढ़ में इसको लेकर सियासत हो रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है पिछले विधानसभा में सबसे अधिक महिलाओं को टिकट दिए थे, 13 विधायक है कांग्रेस पार्टी के, उपचुनाव भी हुआ उसमें भी महिलाओं को मौका दिया गया। तो सबसे ज्यादा अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 13 महिला विधायक जो है कांग्रेस के पास है, एक बीजेपी और एक बसपा के पास है। ऐसे में अब बीजेपी ये बताने का प्रयास कर रही है कि जो आने वाली बीजेपी की जो दूसरी सूची होगी उसमें ज्यादा से ज्यादा हम महिलाओं को टिकट देंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी का भी यही कहना है कि बीजेपी तो महिला आरक्षण की बात सामने आने के बाद वो टिकट देने की बात करें, हमने तो पहले ही महिला को ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पर मौका दिया है, चाहे किसी भी चीज में हो। निश्चित तौर पे कुल 15 विधायक जो है छत्तीसगढ़ में महिला है। अगर हम सांसद की बात करें तो सांसद में भी महिलाओं का जो भागीदारी है वो आगे है, लेकिन जिस तरह से महिला आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी उसको ये बुलाने का प्रयास कर रही है कि हम ज्यादा ज्यादा महिलाओं को यहाँ पर मौका दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनको ही जवाब दे रही है कि हम पहले से ही मौका दिए। कुल मिलाकर महिला आरक्षण को लेकर जो है लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर जो आगामी चुनाव है उसमें भी असर देखना पड़ेगा, चाहे बीजेपी की सूची हो चाहे कांग्रेस की सूची हो, दोनों की सूची में देखने वाली बात होगी कि कितने महिलाओं को टिकट दिया जाता है। क्योंकि 2018 में कांग्रेस पार्टी ने तो अधिकतम महिलाओं को टिकट दिया था, लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं सिर्फ एक महिला को मौका दिया था। ऐसे में अब देखना होगा कि जो अब सूची बीजेपी और कांग्रेस के आने वाला है उसमें इसका कितना असर देखने को मिलता है। बिल्कुल कुलेश्वर, ये समय के साथ स्पष्ट होगा कि जो लिस्ट आएंगे अब उनमें कितनी भागीदारी महिलाओं की देखने को मिलेगी, क्योंकि बयानों से तो पहला असर स्पष्ट हो गया। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पार्टी संगठनों पर अब महिला आरक्षण का पहला असर दिखने लगा है। जिस तरह से बयानबाजी, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें चाहे छत्तीसगढ़ की, दोनों राज्यों से पार्टी संगठनों की जो बयान सामने आ रहे हैं उसके अनुसार आने वाले समय में 2023 की जो लिस्ट होगी विधानसभा चुनाव की उसमें असर भी दिखाई देगा। और इसी पर मध्य प्रदेश के नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। आरक्षण का प्रावधान हो गया है, उसका पालन होगा? तो जब होगा तब पालन होगा। सुधीर जी, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से प्रयास रहा है, रिजर्वेशन है तो वो तो कानून है, लेकिन इसके प्रयास भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और माननीय नड्डा जी बने, हमारे पदाधिकारियों में
33% महिलाओं की सहभागिता हो, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी आज भी पहले से कर रही है और हम इसको बिल्कुल प्रयास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के नेचुरली प्रोसेस में ये है। देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से इसकी पक्षधर रही है। अगर हम इतिहास देखें तो कांग्रेस पार्टी ने ही महिला बिल पार्लियामेंट में लेके आया था, और भी गौर करें तो कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला बनाई, देश की प्रधानमंत्री महिला बनाई, देश की राष्ट्रपति महिला बनाई। तो कांग्रेस पार्टी शुरू से महिला आरक्षण के पक्ष में रही, और जिस तरह से हमारी नेता सोनिया गांधी ने राज्यसभा में और लोकसभा में हमारे साथियों ने, कांग्रेस के साथियों ने जो पुरजोर तरीके से पक्ष रखा कांग्रेस ने, तो हम लोग हमेशा से इस बात पे ध्यान देते आए हैं। और इसी पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, पार्टी संगठनों में पहला असर तो दिखाई दिया है, मध्य प्रदेश की हम जब बात करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भी हमने सुना, उन्होंने कहा पूरी कोशिश की जाएगी आने वाले समय में उसी तरह से सहभागिता दिखाई जाएगी, तो कांग्रेस भी यही कह रही है कि हम पहले से इसके पक्ष में थे। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे ही ये मसला सामने आया तो कई लोगों की तो धड़कनें बढ़ गई होगी, खासकर क्या 33% यदि आरक्षण की बात कही जा रही है, महिला बिल जो पास किया गया जिसमें लोकसभा विधान लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन उसको अमली जमा पहनाने में अभी वक्त लगेगा। पर क्या भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आगे बढ़ेगी? तो संकेत साफ है, बीडी शर्मा ने जिस तरह के संकेत दिए हैं, और ये बीडी शर्मा जी के संकेत नहीं होंगे बल्कि केंद्र के संकेत होंगे। तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या चुनाव होने जा रहे हैं तो उसमें 33% का असर दिखाई देगा, जैसा बीजेपी की तैयारियां, भले वो होता रहेगा, कानून बनता रहेगा, लेकिन कानून से पहले 2023 और 24 के चुनाव में राज्य और केंद्र सरकार की तैयारियां हैं कि कम से कम यहां वो नजर आए। हमने देखा कि निकाय के चुनाव में 50% आरक्षण की बात मध्य प्रदेश सरकार ने की थी, तो दोनों ही दल, अब यदि भारतीय जनता पार्टी का संगठन ऐसा कह रहा है तो फिर कांग्रेस को भी ये करना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में एक महत्वपूर्ण बात जो दिखाई देती है कि यदि ऐसा होता है तो मध्यप्रदेश विधानसभा 2023 की जो तस्वीरें होंगी बहुत अलग होंगी, उसमें 58 की लगभग विधायक नजर आने वाली महिलाएं, और फिर उसको लेकर जो टिकटों की अब घोषणा होगी चाहे बीजेपी की या कांग्रेस की, तो उसके ऊपर यानी सूची में भी इसका असर दिखाई देगा। और हमें लगता है इसीलिए 39 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी ने घोषित की, बाकी जो अब सीटें घोषित होना है तो उसमें महिला का प्रतिशत क्या बढ़ने वाला, तो उम्मीद बहुत ज्यादा दिखाई दे रही, तो कई लोगों की धड़कनें बढ़ी होंगी और कई महिलाएं इस उम्मीद में होंगी कि उनको टिकट मिल सकता है। होगा क्या, इंतजार करना चाहिए, पर इतना जरूर है कि जिस तरह बिल आया उसके बाद बीजेपी में तो हलचल तेज देखी जा रही है। बिल्कुल, महिला प्रत्याशियों की उम्मीदें तो बढ़ी होंगी, अब देखना होगा मनोज जी कितना असर होता है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में महिला जनप्रतिनिधि कितनी है वो भी जानिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिला विधायक 15% और मध्य प्रदेश में अभी 21 महिला विधायक है।